नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अब अगर आप सेकेंड ग्रेड का सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या पूरा सिलेबस हो पाएगा, क्या एक सिलेक्शन वाली आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए होने वाली हैं। हालांकि मैं सेकेंड ग्रेड मैथ्स का संपूर्ण कोर्स यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत यही सिलेबस अपना बाकी रहा है। बाकी पूरा कंप्लीट यानी लगभग 450 क्लासेस आपके लिए सेकेंड ग्रेड मैथ्स की, और प्रत्येक क्लासेस है वो 40-40 मिनट के इस प्रकार क्लासेस हैं। तो यानी अच्छी खासी क्लासेस मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, और ऐसा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सेकेंड ग्रेड मैथ्स का बिल्कुल अच्छे तरीके से विद नोट्स आपके लिए, टेस्ट सीरीज आपके लिए, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं, वहां पर भी आपको नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कराता हूँ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आज जितनी भी तारीख है आप उस तारीख से अगर आप कोर्स अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 अगस्त, यहाँ पर मान सकते हैं आप 1 अगस्त से, और लगभग आपका पेपर हम बात करें 17 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होंगे। जो प्रारंभिक तिथि आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग हम माने तो 1 अगस्त से और 17 दिसंबर के बीच में लगभग 4 महीने 17 दिन यानी 4.5 महीने आपके पास पड़े हैं। अगर अब आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर की, मैथ्स की, दोनों के बाद में बात आऊंगा, मैथ्स की कर लीजिए चाहे और किसी भी आपसे बिलोंग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्स्ट पेपर की। तो देखिए मैंने लगभग क्लासेस डाल रखी हैं 450, और उसमें आपके क्वेश्चन हैं वो लगभग आप कवर कर पाएंगे, लगभग 110 से 120 के आसपास क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मैथ्स के अंदर अगर आप इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर 85-90 क्वेश्चन मैक्सिमम होने वाले हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं। तो क्वेश्चन है वो आप जो टॉपिक्स नहीं आते वो आप छोड़ भी सकते हैं। तो लगभग 110-115 क्वेश्चन अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें से आप 80-85-90 के आसपास क्वेश्चन जरूर पहुंच जाएंगे, और इतना चीजें तैयार करेंगे तो एक सफिशियंट तैयारी है। और याद रखना लगभग दोनों पेपरों के अंदर आपको 40% मिनिमम बनाने हैं, 40% दोनों के अंदर बनाने हैं। यानी लगभग दोनों की अगर हम बात करें नंबरों की तो 200 नंबर यानी 500 में से आपको मिनिमम लाने लाने हैं, तभी आप योग्य होंगे, तभी आप उस भर्ती के अंदर, उस दौड़ के अंदर शामिल होंगे। और याद रखना अगर दोनों के अंदर किसी के 40% बन गए तो इस बार सिलेक्शन उसका होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी का जीके वीक होता है, किसी का मैथ स्ट्रोंग होता है, तो दोनों चीजें, दोनों में 40% लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप दोनों पर अगर ध्यान देते हैं और दोनों के अंदर 40% बनाते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक दौड़ के अंदर शामिल हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूं आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो ये बात रही सेकेंड पेपर की। अगर आप डेली डेली देखिए ये लग रहे हैं वीडियो 450 हैं, लेकिन मैंने कहा ना आधे घंटे 40 मिनट इस प्रकार की आपकी क्लासेस हैं। तो डेली आप 8 क्लासेस आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 महीने के अंदर लगभग 250 क्लासेस आपकी हो जाएगी, और दूसरे महीने के अंदर आपका पूरा यानी 2-2.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप ये पूरी क्लासेस देख सकते हैं। और नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो नोट्स आप ना बनाए तो उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो 2 महीने के अंदर ये सारी सेकंड पेपर आप पूरा तैयार कर सकते हैं, 110 से 120 तक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर आपके पास 2-2.5 महीने और बचेंगे, उसके अंदर आप पूरा इसको 2 बार रिवीजन कर देंगे। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है, अभी भी आप स्टार्ट करें। रही बात फर्स्ट पेपर की, जो जीके वाला पोर्शन है, तो कई जो जीके हैं कुछ ना कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ी हैं, आपने रीट का एग्जाम दिया तो साइकोलॉजी आपकी तैयार है, करंट अफेयर आप डेली पढ़ें, डेली पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके आप राजस्थान से हैं तो जीके आपने पढ़ा है पहली बार, और इंडिया जीके, तो इस प्रकार चीजें आप थोड़ी बहुत इनको भी टाइम जरूर देना है आपको। ये भी 3-4 घंटे आप रोजाना पढ़ेंगे तो आपका 3-3.5 महीने के अंदर आराम से पूरा चीजें कवर अप हो जाएंगी, फिर आप याद अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास बेस्ट चांसेस है, सेकंड ग्रेड के लिए अच्छी वैकेंसी है, और स्टूडेंट्स हैं वो कम थोड़ा सा इस ओर रुझान कर रहे हैं, सभी हैं वो लगभग थर्ड ग्रेड की ओर जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट उसके अंदर ज्यादा है, तो उससे चीजें आकर्षित कर रहे हैं, वो सीटें आकर्षित कर रही हैं। लेकिन विचलित न हो, अगर आप
तैयारी अब से स्टार्ट करें हैं तो 100% आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैथ्स का तो आप देखिए मैंने बता दिया 450 क्लासेस हैं, अगर डेली आप 8 क्लासेस आराम से देख सकते हैं भाई, आधे घंटे की 8 क्लासेस होगी तो कितना 8 30 24, लगभग 3 घंटे रोजाना आप मैथ्स को देंगे, और वो भी थोड़ा बहुत अगर आप स्पीड से देखेंगे तो आप आराम से 2 घंटे के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मैं पूरा मैथ्स का कोर्स यहाँ पर करवा रहा हूँ, और भी आपके लिए मैं अंतिम 4 महीने में कैसे तैयारी करनी है ये रणनीति भी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ के अंदर, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए हरदम मैं साथ रहने वाला हूँ, जब तक सेकेंड ग्रेड नहीं होगा उसके बाद भी आपके लिए हम रहने वाले हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और ये क्लासेस जरूर लगा कर देख लेना, निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि वास्तव में सर जो ऑनलाइन ऐप लेते हैं उससे भी आपने बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो आप एक बार क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।